अब खबर व्यापार जगत से जुड़ी। मराठी युवाओं के लिए आदर्श बने सातारा के दीपक घनवट ने पेशवाई ब्रांड के नाम से वाशी में साड़ियों की दुकान शुरू की है, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री गणेश नाइक के हाथों किया गया। तो पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने दीपक घनवट की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाइयां दी। महिला गारमेंट्स और साड़ियों की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले पेशवाई के वाशी शोरूम का उद्घाटन शनिवार को पूर्व मंत्री गणेश नाइक के हाथों किया गया, जहां पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव नाइक, विधायक संदीप नाइक सहित राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, दुकान के मालिक दीपक घनवट एवं उनके परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान शेकापक्ष के नेता पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने दीपक घनवट के निमंत्रण पर दुकान पहुंचकर उन्हें बधाइयां दी। अवसर पर नवी मुंबई शेकापक्ष के जिला सचिव गौतम आगा, कांग्रेस के नवी मुंबई जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक आदि सहित शेकापक्ष और कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हम आपको बता दें कि साड़ियों की दुकान पेशवाई का कारोबार केवल वाशी में ही नहीं बल्कि पनवेल और नेरुल में भी फैला हुआ है। 2010 को सतारा से नेरुल आए दीपक घनवट ने अल्प समय में यह कामयाबी हासिल की है और मराठी युवाओं के सामने आदर्श स्थापित किया है, क्योंकि महज 8 सालों में अपने इस गारमेंट के व्यवसाय को इस तरह से फैलाया है कि उन्होंने अपने अंदर की उद्योजकता का परिचय दिया है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित कर राजनेताओं के मन में भी अपनी अलग छवि बनाई है। यही वजह है कि गणेश नाइक जैसे दिग्गज नेता उनकी दुकान के उद्घाटन के लिए पहुंचे तो पूर्व विधायक विवेक पाटिल ने अपनी व्यस्तता के बावजूद भी वाशी पहुंचकर उन्हें बधाइयां दी। वीडियो एडिटर प्रशांत चिखलेकर एवं वीडियो जर्नलिस्ट किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट।